हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वॉलपेपर है तो वॉलपेपर्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर ओप्पो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन तरीके से ओपन हो जाएंगे। तो वॉलपेपर्स को कैसे सेट कर सकते हैं, तो सिंपल आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाते ही हमारी फ़ोन सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सर्च कर देना है वॉलपेपर, शायद सर्च नहीं हुए तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर देना पर्सनलाइजेशन सेटिंग, तो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो हमने सर्च कर दिया पर्सनलाइजेशन, तो यहाँ पर हमारी शो हो जाएगी। तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही पर्सनलाइजेशन सेटिंग ओपन हो जाती है। फिर आपको वॉलपेपर पे जाना है और जो भी आप वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स लुक्स वॉलपेपर्स आ जाते हैं, यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वाला सेलेक्ट कर लिया है, अप्लाई कर देंगे अपने स्क्रीन पर। अप्लाई करते ही जो हमारा वॉलपेपर से हमारी फ़ोन के स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सेट हो चुका है और इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से आप वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और साथ में जैसे अगर आपको वॉलपेपर ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपल आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। सिंपली जैसे आइकन शो हो रहे हैं तो स्वाइप करना होगा, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आते हैं। सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा पर्सनलाइजेशन, तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही वॉलपेपर सेटिंग शो हो जाएगी, जहाँ से आप जो भी वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपली जैसे हम ये वाला सेट करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करते ही हमारे स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप वॉलपेपर्स को सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।